हेलो दोस्तों, आज आपको मैं एक लाला जी की कहानी सुनाता हूँ। एक लाला जी लड्डू वाले करके एक शॉप है हमारे शहर में, बहुत मशहूर। उनके यहाँ के लड्डू बहुत फेमस हैं और बहुत अच्छी दुकान उनकी चलती है। पर एक बार हुआ ये कि लाला जी अचानक बहुत ज़्यादा बीमार हो गए और बीमार होने की वजह से डॉक्टर ने उन्हें कह दिया कि लाला जी आप बेड रेस्ट कीजिए, अब आप दुकान दुकान सब छोड़ दीजिए। लाला जी की दुकान बहुत अच्छी चलती थी, लाला जी को अपनी दुकान से प्यार भी बहुत था, पर लाला जी को बड़ा अफसोस हुआ जब डॉक्टर ने ये कहा। फिर लाला जी ने अपना मन मारा और सोचा कि अब मैं जाके अपने गांव पूर्वजों के गांव में रहता हूँ, वहीं रहूँगा, वहीं खेती वेती करूँगा और दुकान जो है अब मैं अपने किसी को बेच के जाता हूँ। जब दुकान बेचने की बात चली तो लाला जी का नौकर है एक शंभू, उसे पता चला, वो लाला जी के पास पहुँचा। बोले लाला जी अब मेरा क्या होगा, जब आप दुकान बेच देंगे तो मेरे तो भूखे मर जाएंगे बच्चे और बीवी। तो लाला जी बोले भाई शंभू ऐसा कर, तू ही मेरी दुकान खरीद ले। तो बोले लाला जी मैं आपकी दुकान कैसे खरीद लूँ, मेरे पास तो इतने पैसे भी नहीं। तो लाला जी बोले भाई ऐसा है तो मुझे थोड़ा थोड़ा करके पैसा दे देना, मेरे पैसों की कोई कमी नहीं है, तो आराम से पैसे देते। बोले ठीक है लाला जी, जैसे आपकी आज्ञा हो। ये बताइए पैसा कितना देना है। लैंड एंड बिल्डिंग 2 लाख रुपए की लगा ले और फर्नीचर तुझे पता ही है 1 लाख रुपए का है और इक्विपमेंट 2 लाख के है, 5 लाख का होता है सब सामान, तू मुझे 7 लाख रुपए दे देना और थोड़े थोड़े इंस्टॉलमेंट में करके दे देना। तो शंभू बोला, बोले लाला जी बात तो सही है आपकी, 5 लाख रुपए का तो दुकान में सामान है ये तो मुझे पता ही है, पर 2 लाख रुपए ज्यादा किस चीज के ले रहे हैं आप। तो लाला जी बोले भाई मेरा नाम भी तो मिलेगा तुझे दुकान के साथ, नाम के भी तो पैसे लूंगा। उसकी कुछ बात समझ में आई और 7 लाख रुपए पे वो राजी हो गया। अब लाला जी जो बेच रहे हैं शंभू को अपना बिजनेस, तो असल में वो बेच क्या रहे हैं, लाला जी बेच रहे हैं दुकान के एसेट्स। आज मैं आपको बताने वाला हूं कि फिक्स एसेट्स क्या होते हैं। तो दोस्तों लाला जी ने जो शंभू को बेचा वो है दुकान के एसेट्स। वो कैसे एसेट्स थे, वो एसेट्स थे नॉन करंट एसेट्स। नॉन करंट एसेट्स में हम पढ़ रहे हैं फिक्स एसेट्स। फिक्स एसेट्स क्या होते हैं, फिक्स एसेट्स वो सारे एसेट्स होते हैं जो बिजनेस ने रीसेल पर्पस के लिए नहीं खरीदे हैं, बेचना नहीं है बिजनेस को, वो बिजनेस की अर्निंग बढ़ाएंगे अगर बिजनेस के साथ जुड़े रहेंगे तो। अब फिक्स एसेट को अगर हम कैटेगराइज करें, अगर उसका फर्दर क्लासिफिकेशन करें, तो हम पाते हैं कुछ होते हैं टैंजिबल एसेट्स और कुछ होते हैं इनटैंजिबल एसेट्स। अब लाला जी ने जो अपनी दुकान की कीमत लगाई 7 लाख रुपए, उसमें कुछ टैंजिबल एसेट्स थे, कुछ इनटैंजिबल एसेट्स थे। टैंजिबल एसेट्स वो एसेट्स होते हैं जिनकी फिजिकल एग्जिस्टेंस होती है, विच कैन बी सीन एंड टच, जिसे हम छू सकते हैं, देख सकते हैं, जिसे लाला जी भी देख रहे हैं, शंभू भी देख रहे हैं, मैं भी देख रहा हूं, वो है लैंड एंड बिल्डिंग, दुकान का फर्नीचर, इक्विपमेंट्स, प्लांट एंड मशीनरी, मोटर वैन और बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिसकी फिजिकल एग्जिस्टेंस है और जो इसलिए रखे गए थे जिससे कि बिजनेस हमारा और अर्निंग करे, ना के बेचने के पर्पस से। फिक्स एसेट्स की वो फिक्स एसेट्स में से वो क्लासिफिकेशन जिसे हम टच कर सकते हैं, छू सकते हैं, वो हो गए टैंजिबल एसेट्स। और कुछ ऐसी चीजें होती हैं, कुछ ऐसे एसेट्स होते हैं जिनकी वैल्यू होती है बट हम उन्हें छू नहीं सकते, जैसे कि लाला जी ने शंभू से 2 लाख रुपए और मांगे अपने नाम के, अपनी दुकान के नाम के, जिसे हम कहते हैं गुडविल। ये गुडविल एक ऐसा एसेट्स है जिसकी कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं है पर उसकी कीमत होती है, जैसे कि लाला जी ने ली, तो वो फिक्स एसेट कहलाएगा इनटेंजिबल एसेट, जिसे हम छू नहीं सकते। इस तरह से और भी होते हैं ट्रेडमार्क, पेटेंट्स, कॉपीराइट, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, कंप्यूटर गेम, इंडस्ट्रियल डिजाइन, पर वो मैं आपको आगे बताऊंगा। आज के लिए केवल इतना ही, थैंक यू।